कुछ तो लोग कहेंगे। बिल्कुल, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ आपके फेवर में कहेंगे, कुछ आपके विरुद्ध कुछ कहेंगे, कुछ तो बातें होंगी। चार लोग होंगे आपके पीठ के पीछे, आपके पीठ के सामने, कुल मिला के लव्वो लुआव ये कि आपका मनोबल तोड़ के रख देंगे। तो अगर आप अपने मनोबल को टूटने नहीं देना चाहते तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए किस तरह से आप अपने मनोबल को गिरने से बचा सकते हैं, अपने नेगेटिविटी को दूर भगा सकते हैं, अपने मनोबल को टूटने से बचा सकते हैं और उसको ऊंचा रख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अर्थ स्पीक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जहाँ तक मनोबल की बात है, मनोबल बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में जीत हासिल करने के लिए। अगर आप अपने मनोबल को बना के रखते हैं तो आखिरी मोमेंट तक आप जीत हासिल कर सकते हैं, चाहे बात क्रिकेट की हो, बात किसी अन्य फील्ड की हो, राजनीति की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, सामाजिक जीवन की हो। अगर आपका मनोबल नहीं टूटा तो आप जीत सकते हैं, जब तक आपका मनोबल नहीं टूटा। और कितनी भी अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो, अगर आपका मनोबल टूट गया, समझ लीजिए आपकी हार निश्चित हो गई। अतीत यही बताता है, वेद पुराण यही बताते हैं, यही बात समझ में आती है। तो मनोबल को आप किस तरह टूटने से बचाएंगे? बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। खुद अपने परीक्षक बन जाइए, खुद अपने समीक्षक बन जाइए। दो ही बातें, अपने परीक्षक और अपने समीक्षक खुद बनिए। दुनिया तो आपको फेल बताएगी, दुनिया आपको परेशान बताएगी, दुनिया आपको नकारा बताएगी, दुनिया आपको बेकार बताएगी, दुनिया आपको असफल बताएगी, दुनिया आपको टोटल फेलियर बताएगी। लेकिन दुनिया के कहने से आप फेल नहीं हो जाते जब तक कि आपका मनोबल नहीं टूटता। जिस दिन आपने अपना मनोबल तोड़ दिया उस दिन आप टोटल फेलियर हो जाएंगे, उस दिन आप बिल्कुल असफल हो जाएंगे। तो असफलता की तरफ मत झुकिए, अपने मनोबल को मत टूटने दीजिए, मत डिगने दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। पहली बात मैंने आपको बताई, अपने परीक्षक खुद बनिए, क्योंकि लोग अगर आपकी जिंदगी की कॉपियां जांचना शुरू कर देंगे तो आपको वो जगह जगह फेल ही करेंगे। अलग अलग स्टेप पे जीवन में, अलग अलग समय पे आपको अलग अलग तरीके से फेल्योर बता देंगे, असफल बता देंगे, बेकार बता देंगे। लेकिन अगर आप खुद अपनी परीक्षा खुद चेक करेंगे, अपने जीवन की परीक्षाएं जो आपने दी हैं, जो रिसोर्सेज आपके पास थे, जो परिस्थितियां आपके साथ थी, जो आपके आसपास माहौल था, वो सिर्फ आप जानते हैं, आपके आजू बाजू वाले नहीं जानते। अन्य लोग जो आपके बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं, जो आपको इस तरह की नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि आपकी परिस्थितियां क्या थी। हो सकता है आप अपने आप में सुधार कर रहे हो, लेकिन उनके लिए आप अभी भी नेगेटिव। एक स्टूडेंट अगर मान लीजिए उसने आज से 1 साल पहले परीक्षा दी, उसके 50 मार्क्स आए, आज उसने परीक्षा दी उसके 60 मार्क्स आए, तो स्टूडेंट अगर खुद के हिसाब से देखेगा तो वो सफल हुआ, थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन दुनिया की नजर में तो फेल ही है ना। पहले भी सेकंड डिवीजन, अभी भी सेकंड डिवीजन। इस तरह से काम नहीं होता। तो आप अपनी परीक्षा खुद बनिए, अपनी परिस्थितियां खुद चेक कीजिए, अपने आजू बाजू का वातावरण आपने खुद देखा उसको खुद चेक कीजिए, खुद अपने आप की परिस्थितियों को भापिए और अपने आप को खुद जांचिए, खुद परखिए और अपना निर्णय खुद लीजिए, खुद बताइए मैं सफल हूं या मैं असफल हूं। आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप असफलता हासिल करने के बावजूद आप सफल हो रहे हैं, धीरे धीरे आप सफल हो रहे हैं। कभी एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब आप विजयी हो जाएंगे। हमेशा विजयी इंसान नहीं होता, किसी भी मैच में, क्रिकेट का मैच हो या हॉकी का मैच हो, फुटबॉल मैच हो, हर आदमी हमेशा नहीं जीतता। तो क्या जो हारा वो असफल हो गया? नहीं, ये स्पोर्ट्स है, स्पर्धा है। इसी तरह जीवन भी एक स्पर्धा है जिसमें आप आगे बढ़ते रहते हैं। समय समय पर बहुत सारी चीजें आती हैं, कभी आप थोड़ा पीछे, कभी थोड़ा आगे, कभी अन्य आपसे आगे, कभी अन्य आपसे पीछे। इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए, जीवन चलने का ही नाम, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कभी सफल होते हैं, कभी कम सफल होते हैं, कभी असफल भी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, बिल्कुल नहीं। पहली चीज ये हो गई, आप अपने परीक्षक खुद बनिए। दूसरी चीज, अपने समीक्षक भी खुद ही बनिए। लोग समीक्षा देंगे तो नेगेटिव ही देंगे। कितनी फिल्में आती हैं आपने देखी होगी, हर साल बड़े बड़े समीक्षक फिल्मों को बताते हैं ये बेकार है, किसी को 1 स्टार, किसी को 2 स्टार, किसी को 5 स्टार देते हैं। असलियत में होता है जो 5 स्टार वाली मूवी होती है वो बैठ जाती है, और जिस मूवी को 1 स्टार या आधा स्टार या 2 स्टार दिया होता है वो सुपर हिट हो जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना मापदंड, मापने का तरीका अलग है, हर आदमी अपने तरीके से बात करता, हर आदमी अपने अनुभव के आधार पर या जो संसाधन उसके पास है उसके हिसाब से सोचता है। कोई आदमी आपके दिल और आपके दिमाग में नहीं बैठा हुआ, कोई आदमी आपकी परिस्थितियों से नहीं गुजरा हुआ, कोई आदमी उसने ये नहीं देखा कि आप किन हालात से निकल के आ रहे हैं। उन हालातों में भी आप विजयी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो आदमी समीक्षक अपने हिसाब से, अपनी दृष्टि से देखेगा तो आप उसको असफल नजर आएंगे, क्योंकि उसने बहुत सारे और सफल लोगों को देखा हुआ।
तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध दीजिए। अगर आप अपने मनोबल को गिरना नहीं देना चाहते तो आप अपने परीक्षक और अपने समीक्षक खुद बनिए। तो आज का छोटा सा वीडियो सिर्फ इसलिए कि वो लोग जो मनोबल जिनका टूट चुका है या टूटने वाला है, बिल्कुल नहीं तोड़िए। दूसरों की बातों से परेशान मत होइए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो कहते रहते हैं, वो आपके मनोबल को तोड़ते रहते हैं, वो आपकी परिस्थितियों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल हताश मत होइए, अपने मनोबल को गिरने मत दीजिए, अपने मनोबल को ऊंचा उठा के रखिए और आगे बढ़ते रहिए। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी पहले मिले। आपको बस एक बार ही करना है, बार बार नहीं करना। वीडियो कैसा लगा टिप्पणी करके जरूर बताइए कमेंट में जाके, और अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में और फैमिली में शेयर कर दीजिए, बाकी सभी लोग उत्साहित हो जाएं, हतोत्साहित ना रहें। किसी का भी मनोबल नीचे नहीं गिरना चाहिए, और लाइक तो बनता ही। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए अर्थ स्पीक्स के बहुत सारे वीडियोस को। आप सभी का दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।